नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पीथमपुर में 4 जुलाई गुरुवार को दोपहर 12 बजे सर्व ब्राह्मण समाज परशुराम सेना के द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम SDM महू को ज्ञापन सौंपा। महू नीमच मार्ग के चौड़ा करने की मुहिम प्रशासन द्वारा चलाई जा रही थी। उस दिन क्षेत्रीय पार्षद सर्व ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठित महिला चिकित्सक डॉक्टर सुवर्णा दुबे के साथ की गई अभद्रता को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज परशुराम सेना ने बड़ी संख्या में नारेबाजी करते हुए नारी के सम्मान में ब्राह्मण समाज मैदान के साथ नारे लगाते हुए SDM कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन महू तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन सर्व ब्राह्मण समाज परशुराम सेना के नेतृत्व में सैकड़ों ब्राह्मण समाज के पुरुष और महिलाओं के द्वारा दिया गया। ब्राह्मण समाज के सभी संगठनों सर्व ब्राह्मण समाज, परशुराम सेना, परशुराम महासभा, सर्व ब्राह्मण महिला संगठन, सभी ब्राह्मण जन 4 जुलाई गुरुवार को सुबह 11 बजे धरना का स्थित अभिलाषा गार्डन में एकत्रित होकर सभी पैदल SDM कार्यालय पहुंचे। महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार महू को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन विष्णु प्रसाद शुक्ला ने किया। सर्व ब्राह्मण समाज महू के अध्यक्ष कैलाश दत्त पांडे, परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला, परशुराम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा, सर्व ब्राह्मण महिला संगठन के अध्यक्ष ज्योति तिवारी, शैलेंद्र शुक्ला, अंजनी जोशी, रीता उपमन्यु, कविता, प्रदीप द्विवेदी, आरती शर्मा, पीथमपुर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा, शुभनिता, संजय तिवारी, रीना चौबे, अनिल द्विवेदी, सुदीप मिश्रा, वीरेंद्र उपाध्याय, सुरेश पांडे, जितेश मिश्रा, राजेंद्र ओझा, सीताराम शर्मा, TR मिश्रा, रमेश पाठक आदि मौजूद रहे। श्री कैलाश दत्त पांडे ने ज्ञापन देते हुए अभद्र व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश पीथमपुर से संदीप सिंह राणा की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।